ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सुवसाहूरं सिद्धं शुद्धं पणमियं जिणेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयम् जीवस्सपरूवणम् उच्चम् सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद आचार्य ने इस गोमरसार जीवकांड ग्रंथ की रचना हुई है की हुई है और उसके आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड भाषा टीका लिखी हुई है ढूंढारी भाषा में। उसका हम हिंदी अनुवाद यहाँ देख रहे हैं और अपनी अभी प्राण प्ररूपणा चल रही है। जीव की जो 20 प्ररूपणाएँ हैं उसको मुख्य रूप से दो में बांटा जाता है, एक है गुणस्थान और एक है मार्गणास्थान। क्योंकि कितनी मार्गणाएँ ऐसी है कि उसमें वो अन्य जो 5 प्ररूपणाएँ उसमें गर्भित हो जाती है। जब मार्गणा का विषय आएगा तो हम कहेंगे कि इसमें कौन सी गर्भित हो जाती है। तो हमने गुणस्थान की बहुत मामूली सी स्थूल चर्चा देखी है, फिर जीव समास देखे मुख्य रूप से, जो 14 जीव समास होते हैं, 14 भेद है जीवों के, ये सब संसारी जीवों के भेद करने में आते हैं। गुणस्थान भी संसारी जीवों के ही होते हैं, सिद्धों के कोई गुणस्थान तो है ही नहीं, वो गुणस्थानातीत हो गए, उसको पार कर दिया उन्होंने। पर्याप्ति में हमने देखे थे कितनी पर्याप्ति होती है, तो सभी तो 6 होती है, जो संगी पंचेंद्रिय जीवों के होती है, और द्विन्द्रिय से असंगी तक के जीवों के 5 होती है और एक इंद्रियों के 4 होती है। पर्याप्तियों के बाद अभी हम प्राणों की चर्चा कर रहे थे। वैसे तो प्रत्येक जीव जो चैतन्य प्राण से जी रहा है इसको भाव प्राण कहते हैं, उससे रहित जीव कभी होता ही नहीं है। परंतु यहाँ जब हम 10 प्राणों की चर्चा करते हैं तो ये द्रव्य प्राण कहने में आते हैं। इन प्राणों के वियोग को मरण कहते हैं। और जब तक ये जैसे इंद्रिय प्राण होंगे ना, ये तो अभी अभी बोल रहे थे अच्छे खासे, अभी क्या हुआ, प्राण चले गए, कहते ना प्राण चले, प्राण उड़ गए, जीव चला गया। उसका अर्थ क्या है, जीव तो है, उसका अस्तित्व तो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। अभी ये मनुष्य पर्याय रूप से था, अब मरकर अन्य पर्याय में चला गया। तो ये जिस आधार से हम कहते तो हम कहेंगे ये तो द्रव्य प्राण है, उसके वियोग को यहाँ मरण कहने में आता है। तो ये द्रव्य प्राण कितने हैं टोटल, तो कहते 10 है। और ये 10 के 10 प्राण किस जीव को हो गए, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के हो गए। जब पर्याप्ति की चर्चा चली तो पर्याप्त जीव हो या अपर्याप्त हो, वो नंबर ऑफ पर्याप्ति सेम होती उसके लिए, क्योंकि सभी एक साथ चालू होती है। पूर्णता को नहीं पहुंचते तो अपर्याप्त कहेंगे, पूर्ण होती है तो पर्याप्त कहेंगे। प्राणों में ऐसा नहीं है, प्राणों में पर्याप्त जीवों के तो सभी प्राण हो गए उस पर्याय के योग्य, परंतु अपर्याप्त जीवों में क्या नहीं होगा। अगर हम संगी पंचेंद्रियों की अपेक्षा देखेंगे तो कहते कि वचन बल प्राण नहीं होगा, मन बल प्राण नहीं होगा, और श्वासोश्वास प्राण नहीं होगा, यानी अपर्याप्त जीवों के श्वासोश्वास नहीं होगा, पर्याप्त जीवों के ही होगा, ये ऐसे सिद्ध होता है। तो हमने 2-3 ऐसे उदाहरण देखे किसको किसके होते कितने होते हैं। अभी हम आपको पूछते हैं, किसी एक को जवाब देना है ना, द्विन्द्रिय अपर्याप्त जीवों के कितने प्राण हो गए आपको बताना है। द्विन्द्रिय आप हाथ ऊपर करना, बोलना नहीं है। हाँ, द्विन्द्रिय पर मंगल बताते, हाँ बोलो। 4 प्राण कौन से हो गए, अभी उनको बताने दो। 4 प्राण उन्होंने बताए, कौन से 4 प्राण है आपको गिनने हैं, कौन से है वो गिनना है। इंद्रिय प्राण कौन से हो गए,
द्विंद्रिय जीवों के दो इंद्रिय प्राण है और क्या है, काय बल प्राण है, काय नहीं कहने, काय बल प्राण है और आयु प्राण है, क्योंकि श्वासोश्वास भी नहीं होगा और वो वचन बल भी नहीं होगा, समझ में, इस तरह से। अब एकेंद्रिय जीवों को हमको नक्की करना है। एकेंद्रिय पर्याप्त जीव है, आप बताना चाहते हैं? हाँ बोलो। स्पर्शन इंद्रिय प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास प्राण और आयु प्राण। तो एकेंद्रिय पर्याप्तों के श्वासोश्वास होगा, है ना, और अपर्याप्तों के क्या नहीं होगा इसमें से, श्वासोश्वास नहीं होगा, तीन प्राण होंगे, कितना आसान है, है ना। तो इस तरह से हमने पंचेंद्रिय से लेकर एकेंद्रिय तक के प्राण देखे। तो चतुर इंद्रिय पर्याप्तों के कितने प्राण हो गए, वो चेयरमैन कोई बताएंगे? हाँ बोलो प्रज्ञा बेन, लास्ट जरा जोर से, आपको गिनाना है। स्पर्श रस गंध वर्ण तो पुद्गल में होते हैं। हाँ, आपको इंद्रिय प्राण कितने होते हैं बोलो? चार इंद्रिय प्राण। और आपकी आवाज नहीं सुनाई देते बीच में, बहुत आपको हेल्प करने वाले बहुत है। हाँ हाँ आप बोलो। चार इंद्रिय प्राण, चार इंद्रिय प्राण, दो बल प्राण। कौन से दो बल प्राण? काय बल और वचन बल। हाँ, काय बल प्राण और वचन बल प्राण। हाँ, श्वासोश्वास प्राण और आयु प्राण। अपर्याप्तों में क्या नहीं हो गए इसमें से बोलो? अकेला श्वासोश्वास नहीं होगा, वचन बल भी नहीं होगा। तो शास्त्र में तो केवल इतना लिखा है, प्राणों की चर्चा करते हैं तो वहाँ कैसे लिखेंगे, दस सात, उसका अर्थ हम संगी पंचेंद्रिय से गिनाना चालू करते हैं। दस सात का अर्थ होता है पर्याप्तों के दस, अपर्याप्तों के सात। फिर लिखेंगे नौ सात, यानी असंगियों के पर्याप्तों के होते हैं नौ, अपर्याप्तों के होते हैं सात, चतुरेंद्रिय के आठ छः, फिर सात पाँच, इस तरह से गिनेंगे, छः और चार, और एक इंद्रियों के चार और तीन, उसका अर्थ सबके हैं प्राण गिना दिए। अभी हमको देखना है कि संयोग केवली को कितने प्राण हो गए। तो पहले में पहले कितने इंद्रिय प्राण हो गए, कितने इंद्रिय वाला जीव है वो? हाँ, तो इंद्रिय प्राण कितने हो गए? कितने इंद्रियों के द्वारा जानते हैं केवल ज्ञानी? हमने क्या देखा था, इंद्रियावरण का जो क्षोभशम है उसको हमने प्राण कहा था। तो केवल ज्ञानी तो केवल ज्ञान के द्वारा जानते हैं, शायद ज्ञानी है, उनके इंद्रिय प्राण नहीं कहेंगे हम। द्रवेंद्रिया है, द्रवेंद्रियों को प्राण नहीं कहा, वो इंद्रियों के द्वारा जानने को प्राण कहा था। ख्याल में आते ना, या तो क्षोभशम है उस संबंधी, उसको हमने प्राण कहा था। इंद्रियों संबंधी क्षोभशम है क्या उनके? उनके तो क्षायिक है ज्ञान, समझ में। तो उनको हम, वो तो पांच इंद्रिय प्राणों को भी नहीं गिनेंगे। द्रव्य मन है परंतु मन के द्वारा जानने का भी कार्य नहीं हो रहा है, उसको भी नहीं गिनेंगे। तो अभी संयोग केवली को क्या क्या होगा, काय बल प्राण होगा कि नहीं होगा? काय बल प्राण है, वचन बल है कि नहीं है? तभी तो दिव्य ध्वनि खिल रही ना, अभी वचन योग भी है, वचन बल प्राण भी है। फिर श्वासोश्वास होगा कि नहीं अरिहंत भगवान? हम जरा देख के आते मंदिर में। तो श्वासोश्वास है और आयु तो है ही है, तो चार प्राण है। जब वो योग निरोध करते हैं तो श्वासोश्वास का निरोध करते हैं, वचन योग का निरोध करते हैं, तब उनके वो तो एक एक का निरोध करेंगे तो वैसे वैसे तीन दो भी कहेंगे हम। अयोग केवली में कितने प्राण होते हैं इनमें से? उनके शरीर है कि नहीं है? अयोगी को शरीर है कि नहीं है? शरीर नहीं है, तो चौबे गुण स्थान में अशरीरी हो गए? नहीं नहीं, आप बहन क्या कहते हैं? देखो शरीर है उनके, योग मिट गया है, शरीर नाम कर्म मिट गया है, यानी शरीर के परमाणुओं का ग्रहण रुक गया है, परंतु जो बनी शरीर है तो वो है ना। हाँ, तो काय बल प्राण नहीं है, शरीर है परंतु अभी जो कुछ शरीर नाम कर्म का उदय भी मिट गया है, नए परमाणु का ग्रहण उस रूप ढालना, वो सब रुक गई बातें।
शरीर है परंतु काय बल प्राण नहीं है, वचन बल प्राण भी नहीं है, आयु नहीं है, आयु है, एक आयु प्राण है बस। समझ में आई बात? देखो अष्टपौंड में गाथा है कि अरिहंत भगवान की स्थापना करना है। आपने की कि नहीं? वहाँ अपने हमने बहुत सारे पंच कल्याण आपने कितने किए? बहुत किए। अच्छा, तो अरिहंत भगवान की स्थापना की, क्या क्या किया क्या पता, वो पंडितों ने मंत्र कह दिए और हमने वहाँ अटेंड किया, हम इंद्र बन के बैठ गए, हमको क्या मान क्या क्यों होता। तो कहे तो हमने स्थापना की अरिहंत भगवान की। तो कुंदकुंदा आचार्य भगवान कहते हैं अरिहंत भगवान की स्थापना किसको कहना? तो कहते अरिहंत भगवान को गुणस्थान से जीव समाज से पर्याप्ति प्राण आदि सबसे जानना, नक्की करना और फिर उनको नमस्कार करना, तब हम कहेंगे वो अरिहंतों की स्थापना की, उसको स्थापना अरिहंत कहा है। हमने धातु पाषाण में अरिहंतों की स्थापना की, उसको स्थापना नहीं कहा। अष्टपौड़ की गाथा है, मेरे ख्याल से बोध पौड़ में होगी, 32 नंबर की गाथा। यहाँ पर भी दिखाई थी हमने लास्ट टाइम, बहुत बार दिखाई थी यहाँ पर। ये सब जो हमने देख रहे हैं अरिहंतों का कौन सा गुणस्थान है उनका, अभी आप बताओ अरिहंतों का गुणस्थान कौन सा है? तेरवा की चौदवा? अरे दोनों। चौदहवें गुणस्थान में वो अरिहंत कहलाएंगे कि नहीं? जो तीर्थंकर है वो तीर्थंकर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? अरे वहाँ नामकर्मों का उदय चल रहा है उनका। तो गुणस्थान है 13 और 14। जीव समास, अरिहंतों का जीव समास कौन सा है? हाँ बोलो, चेतना बेज। इतना धीमे धीमे क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे जीव समास तो उनका संगी पंचेंद्रिय होगा। हाँ, पर्याप्त भी कहेंगे, अपर्याप्त वो कपट समुदात में कहेंगे उसको। समझ में आती है ना बात? हाँ, और फिर जीव समास हुआ, पर्याप्ति कितनी होगी अरिहंतों की? हाँ नहीं होगी? अरे जब माँ के गर्भ में आए थे तो 6-6 पर्याप्ति हुई थी ना, बाद में थोड़ी फिर से पर्याप्ति बननी है। वो तो पर्याप्ति जो हुई है वो चलेगी पूरी लाइफ टाइम तक। तो उनके भी भले वो परम औदारिक शरीर हुआ तो उसके परमाणु ग्रहण करना चालू होगा कि नहीं? वहाँ पर भी वो सब उसका कार्य चल रहा है, वहाँ पर भी स्थिर अस्थिर नाम कर्म का उदय है, तो उसका वो सब परिणमन वो सब चल रहा है। तो उनकी पर्याप्ति कितनी है? तो 6 पर्याप्ति भी है। प्राण कौन से पर्याप्ति रहेगी ना? वहाँ पर्याप्ति बनी है, उसका नष्ट होने का कोई कारण नहीं है। हाँ नहीं, ग्रहण नहीं करते हैं परंतु पर्याप्ति तो बनी हुई है बस। आयु प्राण है बस। हाँ, यानी उसका जो कार्य चल रहा है उसके वो नाम कर्म के उदय मिट गए। ये नाम कर्म के उदय में वो परमाणु का ग्रहण आदि कार्य चल रहा था, वो शरीर नाम कर्म का उदय मिट गया 13वें में। अभी शरीर के परमाणु का ग्रहण ही नहीं होगा, ग्रहण नहीं होगा तो आगे का कार्य क्या जरूरी है? पुद्गल परमाणु का ग्रहण नहीं हो रहा है तो खल रूप रस रूप परिणाम ना कहाँ रहा, उसको उस रूप परिणाम ना कहाँ रहा, वो कोई बात ही नहीं रही। समझ में आती है ना बात? पर्याप्ति बनी हुई है बस, बस जो है वह है वो शक्तियाँ। अब पर्याप्ति तो पहले बनी हुई थी, वो तो बनी है उसमें जीव। अभी उसमें तो क्या इंद्रियों के द्वारा जानना ही रुक गया है। हाँ, अभी हम आगे बढ़ते विभाव रूप इसलिए कहा था कि जो कुछ पुद्गल को परिणमाना ये तो कोई जीव का शक्ति है नहीं। जीव कितना शक्तिमान है देखो, पुद्गल को परिणमाता है वो, सो उसमें निमित्तपना बनता है। और निमित्तपना भी क्यों बन रहा है? कर्मों के उदय में बन रहा है। कर्मों के उदय में जीव में ऐसी योग्यता बन रही है जैसे जीव मोहराग द्वेष कर रहा है, अपने स्वयं के कारण कर रहा है, परंतु उसका वहाँ विभाव कहा, परंतु उसमें क्या है? कर्मों का उदय निमित्त है। तो देखो कर्मों का उदय नए कर्मों को बुला रहा है और बीच में जीव का क्या है? राग द्वेष मोह। देखो ऐसे ना, आश्रव किसको कहते हैं? हाँ, जीव के आश्रव जो है चेतन आश्रव राग द्वेष मोह। और जो नए कर्मों के आने का कारण क्या है? पुराने कर्मों का उदय, जिसको खरेखर आश्रव कहा कुंदकुंदाचार्य ने।
आश्रय अधिकार की पहली दो गाथा। आश्रय किसको कहा? नए कर्मों के आने को नहीं कहा, पुराने कर्मों के उदय को कहा। कर्मकांड में भी प्रत्यय किसको कहते हैं? प्रत्यय ने बंध के कारण पुराने कर्मों के उदय को कहते हैं और जीव के मोह राग द्वेष के परिणामों को कहते हैं, उसको आश्रय कहते हैं। खरेखर आश्रय कहा है। हाँ, कर्मों के आने को भी आश्रय कहते हैं, परंतु हमारे क्यों आ रहे? सिद्ध भगवान के क्यों नहीं आ रहे? राग द्वेष नहीं, क्यों नहीं है? अभी हमको निमित्तों में बोलना है, योग की बात नहीं है। वहाँ तो मोहनीय कर्म का उदय नहीं है, तो यह मोह राग द्वेष नहीं है, तो नए कर्म का बंध भी नहीं है। इस तरह से दोनों को ले लेना, पुराने कर्मों का उदय, जीव के अपने परिणाम और नए कर्मों का बंध, तीनों बातें एट ए टाइम होती हैं। और इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप से समझना। अभी हम आगे बढ़ते थोड़ा। चार तो हमने गिनाए थे। आपका प्रश्न है संयोग केवली में चार, तीन और दो क्यों लिखे हैं? वे तो थोड़ा आपके ख्याल में आवे इसलिए, क्योंकि चार प्राण तो हमने देखे थे। कौन से चार देखे थे? काय बल, प्राण, वचन बल, प्राण श्वासोश्वास और तेरहवें गुणस्थान के अंत में क्या होता है मालूम है? योग का निरोध होता है। योग निरोध होता है, क्या होता है? यानी मनोयोग, वचन योग और श्वासोश्वास और काय योग, ऐसी चार बातें हैं। तो काय योग में रहते हुए अन्य तीन योगों को पहले सूक्ष्म किया जाता है, फिर काय योग भी सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म होने के बाद वो और नष्ट हो जाता है। अपने एक शपक श्रेणी के प्रकरण में अपनी बात हुई थी, तो एक एक योग को नष्ट करते करते अभी वचन बल नष्ट हुआ, तो वचन बल प्राण भी नहीं रहा, वो योग वचन योग भी नष्ट हो गया। फिर काय योग को सबसे लास्ट में कहेंगे, तो श्वासोश्वास को भी यानी उसको भी सूक्ष्म करके नष्ट कर दिया। तो अभी क्या बचा उनका? पहले काय बल, अभी जब तक काय योग है तब तक काय बल प्राण भी रहा और आयु रहे, दो रह गए। पहले तीन हुए फिर दो हुए, अयोग केवली हुए तो एक ही रह गया। इस तरह से अभी हम आगे बढ़े। ये प्राण अभी प्राणों को छोड़कर थोड़ी आगे बढ़ेंगे। आगे की जो प्ररूपणा हमको देखनी है उसका नाम है संज्ञा प्ररूपणा। मार्गणा में अभी आपको मार्गणाओं के नाम नहीं मालूम है, इसलिए कौन से जो प्ररूपणाएँ किस मार्गणा में घटित करते हैं, जैसे हम आपको बताएंगे। जो जीव समास में क्या देखा था हमने, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, वो इंद्रिय मार्गणा में, काय मार्गणा में वो गर्भित हो जाती, इस तरह से उसका अर्थ ले लेना। अभी पेज नंबर 266 संज्ञा प्ररूपणा है। देखो संज्ञा, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। संज्ञा का क्या अर्थ है? नाम को भी संज्ञा कहते हैं। और यहाँ संज्ञा किस अर्थ में है? वासना, तीव्र वासना, वांछा, तीव्र इच्छा को यहाँ संज्ञा कहते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर 266 134 की टीका। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इनके निमित्त से जो वांछा होती है, वांछा ने इच्छा, तीव्र इच्छा, देखो क्या कहते हैं, ये जो इच्छा है, वांछा है, वही दुख का कारण है। जीव का दुख का कारण कोई संयोग नहीं है, कोई परद्रव्य इसके दुख का कारण है ही नहीं। इसके दुख का कारण क्या है? उसकी इच्छा ही उसका दुख का कारण है। मोह राग द्वेष हो रहे, उसमें मुख्य रूप से हमने इच्छा को ही दुख का कारण अभी यहाँ कहा है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, पहले इच्छा किसके निमित्त से हो रही है? ये चार जो बातें बताई, ये चार संज्ञा जो कहने में आ रही है, उनके नाम क्या है? आहार संज्ञा, केवल आहार नहीं कहना, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। तो इसकी परिभाषा क्या है? तो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह के निमित्त से जो इच्छाएं उत्पन्न होती, जो वांछा होती है, उन्हें चार संज्ञा कहते हैं। आगे क्या लिखा है? जिन संज्ञाओं से बाधित पीड़ित हुए जीव, किसकी पीड़ा है? इच्छा की। दुख किसका है? इच्छा को। और वो इच्छा का दुख सहा नहीं जाता तो जीव, वो उसके बारे में जो कुछ प्रवर्तन चलता है उसका, तो कहते हैं जिन संज्ञाओं से बाधित यानी पीड़ित हुए जीव संसार में
विषयों का सेवन करते हुए भी। देखो इसका अर्थ देखते हैं। विषय का अर्थ होता है जो ज्ञान के जो ज्ञेय है वो ज्ञान का विषय कहते हैं, परंतु ये इंद्रिय ज्ञान के जो विषय है वो इंद्रिय के तो है तो ज्ञेय, परंतु जीव क्या मानता है, मैं इन विषयों को भोग रहा हूँ, मैं इनका सेवन कर रहा हूँ और उसमें से मैं सुखी होऊंगा। इसको इच्छाएं होती है, क्या नरम किसी को मैं स्पर्श करूँ या मीठा कुछ खा जाओ या कोई सूंघो, तो ये पांचों ही इंद्रियों के बारे में उसके जो कुछ विषय है उसको विषय कहते हैं, तो उसको प्राप्त करने की उसको इच्छा होती है। क्या कहा यहाँ पर, यानी इच्छा से जीव पीड़ित है और संसार में विषयों का सेवन करते हुए क्या होता है, वो तो अभी सुखी होने के लिए क्या उपाय करता है, विषयों का सेवन करता है। यहाँ तक बात बताइए। तो ये विषयों के प्रति, पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति जीव बार बार क्यों झपट्टे मारता है अपनी भाषा में, आचार्यों की भाषा में, क्योंकि वो इच्छाओं से दुखी है। डॉक्टर के पास कौन जाता है, रोग की पीड़ा नहीं सहन होती है तो ये रोग का इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इंद्रियों के विषयों के प्रति क्यों जाता है जीव, इच्छाओं से पीड़ित है, वो पीड़ा सहन नहीं होती है तो इसलिए वो विषयों के प्रति जाता है। उसको इच्छा हुई, क्या हुई, मैं कोई चीज़ जो आपको पसंद है, क्या लड्डू, क्या गुलाब जाम, क्या इच्छा हुई, वो खाऊं, वो खाऊं, तो उसने खाना चालू किया, तो अभी वो इच्छा नहीं रही, दूसरी भले कोई उत्पन्न हुई हो परंतु वो इच्छा नहीं रही, तो उसको लगता है कि मैं सुखी, वो पर्टिकुलर इच्छा मिट गई उसकी, क्योंकि वो वस्तु प्राप्त हुई, दूसरी इच्छा तब तक चालू होती है, परंतु वो इच्छा नहीं हुई तो उसको क्या लगा कि लड्डू से मुझे सुख मिला, सुखी क्यों हुआ, वो तीव्र इच्छा उसकी मिट गई, वो तीव्र इच्छा नहीं रही इसलिए थोड़ा उसको दुख कम हुआ, तो उसको लगता है मैं सुखी हो गया। यहाँ क्या कहते हैं, उसको विषय सेवन करने पर भी, आगे देखते कि संज्ञाओं से यानी अपनी इच्छाओं से जो पीड़ित जीव है वो संसार में विषयों का सेवन करते हुए भी, तो विषयों का सेवन करने पर सुखी तो होने चाहिए, तो कहते वह पर भी इहलोक और परलोक में, यानी इहलोक यानी इस भव में, परलोक में यानी मरण के बाद जब अन्य भव में चला जाएगा उसमें, उन विषयों की प्राप्ति या अप्राप्ति होने पर दारुण भयानक महादुख पाते हैं वे चार संज्ञा जाननी, यानी सारे दुख का मूल क्या है, उसकी इच्छाएं, इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती है, कोई किसी को इष्ट मानता है अनिष्ट मानता है और उससे मैं सुखी हो जाऊंगा मानता है, इसलिए उसकी ये सब बातें हो रही है। तो ये चार संज्ञा कौन सी है, तो कहते हैं आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। तो वांछा का नाम संज्ञा है और वांछा है वह सर्व दुख का कारण है। और हमें क्या लगता है हम क्यों दुखी है, कि हमारे पास रुपया नहीं है इसलिए हम दुखी है, हमें बच्चा नहीं है इसलिए हम दुखी है, या हमारे कोई लॉस हो गया इसलिए हम दुखी है, परंतु दुख का कारण मूल क्या है, तो वांछा ही सब दुखों का मूल है। देखो आगे देखते हैं। अभी ये जो चार संज्ञाएं हैं उनके उपजने के बाह्य और अभ्यंतर कारणों की यहाँ चर्चा है। कारण कहने से यहाँ देखो जीव में जो इच्छाएं उत्पन्न हो गई है वो उसका अशुद्ध उपादान है, यहाँ जिन कारणों की चर्चा है वो दोनों ही निमित्त कारण है, एक है बाह्य निमित्त और एक अंतरंग निमित्त। तो हमारे यहाँ बहुत बार निमित्त उपादान की चर्चा हुई है, तो अंतरंग निमित्त किसको कहते हैं और बहिरंग निमित्त किसको कहते हैं, ये मेरा प्रश्न है, कौन बताना चाहता है, नहीं मालूम। अंतरंग निमित्त के दो प्रकार बताए, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त, तो अंतरंग निमित्त किसको कहना और बहिरंग निमित्त किसको कहना, हाँ आप बताएंगे, हाँ हाँ, आपका कहना है पूर्वोपार्जित कर्म मेरा अंतरंग निमित्त है और उसके निमित्त से बाहर की परिस्थितियाँ बहिरंग निमित्त, क्या ये सही परिभाषा है, हाँ चेतना बेन बताना चाहते हैं, बोलो बोलो, हाँ और बहुत अच्छा। देखो
जो नियम रूप निमित्त है, उस पर्टिकुलर जो पर्याय है या कार्य है, उस कार्य में नियम रूप जो निमित्त पाया जाता है उसको कहेंगे अंतरंग निमित्त। वो कर्म का उदय भी हो सकता है, अन्य भी कुछ हो सकता है। और बहिरंग निमित्त, मेरी भाषा में जो वेरिएबल निमित्त, अन्य अन्य जीवों में अन्य अन्य हो सकते हैं। जैसे हम कहेंगे औषमिक सम्यक तो हुआ, तो औषमिक सम्यक तो भले नारकी को हो, देव को हो, मनुष्य को हो, तिर्यंच को हो, सब में नियम रूप निमित्त कौन सा है? वो कर्मों का उपशम। दर्शमोनी अनंतानुबंधी का उपशम हुआ है, वो डेफिनेट उस समय का निमित्त सब में वही पाया जाता है। देव में थोड़ा उपशम होगा, नारकी को ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया अंतरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त क्या है? जो हम निमित्तों की चर्चा करते हैं सम्य दर्शन में, तो देवों में तो महर्दी का जो देखना है, ये पंच कल्याणकों में जाते हैं, वो उसकी बात उसके निमित्त से होते हैं। नारकियों में तीव्र वेदना के काल में वो विचार करता है, वो उसके लिए निमित्त बताए। मनुष्य और तिर्यंचों में भी अलग अलग निमित्त बताए जाते हैं। तो ये कहते कि जो ये बाह्य निमित्त जो अलग अलग होते हैं उसको कहेंगे बहिरंग निमित्त, और जो सब में जो नियम रूप जो हो उसको कहेंगे अंतरंग निमित्त। जैसे हम कहते हैं एक गमन में निमित्त कौन है, तो आप कैसे हम कार से आए, कोई कहते हम साइकिल से आए, तो गमन करने वाले सभी जीव और पुद्गलों को नियम रूप निमित्त क्या है? धर्मास्तिका है, धर्मद्रव्य, तो उसको कहेंगे हम अंतरंग। वो कुछ अंतर का नहीं, यानी अंतरंग का अर्थ अंदर वाला कर्म, ऐसा हर जगह नहीं लेना, यथा योग्य जो होगा। तो अभी यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं, चार संज्ञाओं में दो दो निमित्त पूछ रहे हैं, अंतरंग और बाह्य, यह दोनों को ही कारण कहा। देखो क्या कहते हैं, आहार संज्ञा उपजने के बाह्य और अभ्यंतर कारण कहते हैं। नीचे देखते 135 गाथा की टीका। विशिष्ट अन्नादिक चार प्रकार के आहार का देखना, यानी वो बच्चे तो इधर उधर टहल रहे हैं, चलो भोजन करने को भूख नहीं है, और इतने में क्या हुआ, कुछ चीज़ देखी, वो देखकर एकदम खाने की इच्छा हुई, ऐसा होता है कि नहीं? तो अन्न को देखना, तथा ये सब बहिरंग निमित्त बता रहे, अलग 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 जीवों में अलग अलग आहार को याद करना, याद आ गई, कथा सुनना, कोई बातें बता दी कि ये ऐसा है वैसा है, तो चटपटा है, तो कथा सुनकर भी, उसकी बातें सुनकर भी, इत्यादि उपयोग का होना, कोठा ने उधर पेट खाली होना, है ना, भूख लगती जिसको हम कहेंगे, क्षुधा का होना, ये तो बाह्य कारण है। अब अंतरंग ने नियम रूप कारण क्या है सब में? असाता वेदनीय कर्म का तीव्र उदय होना अथवा उदीर्ण होने, उसको कहेंगे अंतरंग कारण। बाह्य कारण कुछ भी हो, वहाँ सब में नियम रूप पाए जाने वाला कारण कौन सा होगा? ये तो असाता वेदनीय का उदय, तीव्र उदय कहो, उदीर्णा कहो, इन कारणों से आहार संज्ञा होती है, यानी आहार के निमित्त से आहार संज्ञा होती है, यानी इच्छा होती है। आहार अर्थात अन्नादिक, उनमें संज्ञा अर्थात वांछा, वह आहार संज्ञा जाननी, ये तो आसान है ना उसमें। तो आहार संज्ञा कौन से गुणस्थान तक होगी? छठे गुणस्थान तक। क्यों? ऐसा नियम है कर्मों के, जो उदय उदीर्णा के कुछ नियम होते हैं, तो वेदनीय कर्म जो है, साता हो या असाता हो, उसकी उदीर्णा छठे गुणस्थान तक ही होती है, आगे नहीं होती। आगे उसका उदय चल रहा है, उदय तो 14वें के अंत तक रहेगा, परंतु उदीर्णा तो छठे तक ही पाई जाती है। तो 7वें गुणस्थान, 8वें गुणस्थान, ऊपर के गुणस्थानों में आहार संज्ञा नहीं होगी, तो आहार ग्रहण करने का कार्य होगा कि नहीं होगा वहाँ पर? नहीं। तो 13वें गुणस्थान में वो केवल आहार होता है मानने वाला, कि कैसी ये कैसी है, भ्रमणा है, समझ में आती है बात? ये निर्णय करना पड़ेगा, और इसके लिए सारे कर्णानुयोग के नियम यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। हम ऐसा कहते हैं हम सच्चे और आप कहते हैं आप झूठे, ये बात नहीं है। केवली भगवान, अरे मुनिराज को भी शुद्धोपयोग के काल में ये इच्छाएं है ही नहीं आहार की, जो ये जो आप कहेंगे नहीं छठे सातवें गुणस्थान वो चल रहे, तो वो बिहार के काल में भी वह, वो बात अलग है।
यानी उनकी प्रवृत्ति को मत देखना है यहाँ पर, क्योंकि जब आहार ग्रहण कर रहे हैं मुनिराज जब जाते हैं तो ऐसे होते हुए चल रहा है, तो बीच में उनको सातवां गुणस्थान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आप जब भोजन करते हैं आँख खुले रख कर करते कि बंद करते हैं? खुले। और बीच में ऐसा नहीं होता? तो उनके भी वो छठे सातवें का इतना काल है, वो प्रवृत्ति बाहर चल रही है, परंतु वो तो उपयोग उसको होता है। परंतु ये जो संज्ञा की बात कर रहे हैं हम, वांछा की बात कर रहे हैं, वो हम प्रवृत्ति में लगाते हैं, उसकी बात मत देखो। यहाँ पर योग के प्रकरण में भी हम देखने वाले हैं, योग अलग बात होती है, प्रवृत्ति अलग बात होती है। तो यहाँ आहार संज्ञा जो है, ये उदीर्णा जो है, वो छठे गुणस्थान तक ही है, आगे के गुणस्थानों में आहार संज्ञा है ही नहीं। तो वो केवली भगवान आहार लेते होंगे ऐसे ये बात जो कुछ है वो सब झूठी कल्पना है, वो मानना तो वे अज्ञान मिथ्या तो कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भय संज्ञा, अभी भय संज्ञा का अर्थ क्या है? भय की वांछा ऐसा होगा? भय की इच्छा होती है क्या? आप कहते हैं हाँ हमको तो इच्छा होती है, इसलिए वो भय डरावने पिक्चर और वो सीरियल्स भी देखते हैं हम, क्योंकि इच्छा से देखते हैं ना, उसको भय संज्ञा नहीं कहा। हमने क्या परिभाषा क्या बताई थी? उसके निमित्त से जो इच्छा उत्पन्न होती है, जब भय लगता है तो इच्छा किसकी होती है? ये भाग जाने की इच्छा होती है, छिप जाने की इच्छा होती है, भय से भागने की इच्छा हुई उसको भय संज्ञा कहेंगे। वो अभी हम देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर 267 पर, देखो उसमें भी बहिरंग कारण और अंतरंग कारण की चर्चा करेंगे। अति भयकारी व्याघ्र आदि वा क्रूर मृगादिक, मृग है ना पशु कोई, वा भूतादिक को देखना या उनकी कथादिक का सुनना या उनको याद करना इत्यादि उपयोग का होना तथा अपनी हीन शक्ति का होना, कभी कभी कमजोर होते हैं तो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों में डरने लगता है, ये तो बाह्य कारण है। भय नो कषाय, ये भय नो कषाय क्या होता है? क्रोध मान माया लोभ, ये तो कषाय है। और नो कषाय किसको कहते हैं? हाँ वो हास्य रति अरति शोक भय है ना, भय, हाँ इसको कहेंगे नो कषाय। वो कर्म भी है और जीव का परिणाम भी है। कर्म को नो कषाय कर्म कहेंगे और जीव के परिणाम को भय कषाय कहेंगे, नो कषाय कहेंगे। तो भय नौकषाय रूप मोह कर्म, उसका तीव्र उदय होना अंतरंग कारण है। देखो उसका उदय हुआ इसलिए जीव को भय लगा ऐसा नहीं है। क्या करे, हास्य कर्म का उदय आया इसलिए हम हंसते हैं, उसका शोक का उदय आया इसलिए हम शोक करते हैं, इसे उल्टा मत अर्थ लेना उसका। जीव के परिणाम और कर्म की वो अवस्था दोनों को समय एक है, इसके कारण वो हुआ उसके कारण ये हुआ ये ऐसी बातें नहीं है। वो तो जीव के परिणामों को बताता है, बनाता नहीं है, करता नहीं है। आप मिरर के सामने दर्पण के सामने जाते हो तो आपका प्रतिबिंब उसमें दिखता है, तो आप पहले गए कि प्रतिबिंब पहले आया? हाँ तो आप वहाँ सामने खड़े हो तो आपकी अवस्था आप में है और वो दर्पण की अवस्था दर्पण में है, उसके कारण एक साथ दोनों अवस्था होते हैं। यानी कर्म के कारण जीव हंसता या रोता है और भय पामता ऐसी बातें है ही नहीं। तो इस तरह हम देख रहे हैं, अभी भय की बात हम देख रहे थे, भय संज्ञा जो उपजने के जो कारण की हम चर्चा कर रहे थे। तो भयानक कोई जो बातें देखना सुनना, अभी वहाँ तो डायरेक्ट देखते थे, यहाँ तो टीवी पर देखने से भी भय तो लगता है ना। तथा भयनों को वो हो गया, इन कारणों से भय संज्ञा होती है। भय से उत्पन्न हुई, क्या उत्पन्न हुई? भाग जाना, छिप जाना आदि रूप वांछा। इच्छा किसकी हुई? भय की नहीं, भय के कारण भागने की इच्छा हुई, छिपने की इच्छा हुई, वह भय संज्ञा है। अब आगे देखते हैं, वो भय संज्ञा कब तक होगी? जब तक भय नाम का जो कर्म है, नो कषाय कर्म, उसका उदय जहाँ तक होगा वहाँ तक ये संज्ञा है कहेंगे। ये जरूरी नहीं कि वहाँ के गुणस्थान तक वो मुनिराज भागने की उनकी इच्छा होगी, परंतु वो कर्म का उदय है बस इतना बताया जाता है। वो वहाँ तक का उदय कितना मंद नहीं के बराबर होगा, परंतु जहाँ तक उदय है वहाँ तक वो संज्ञा है ऐसा कथन आता है। तो भय का उदय कहाँ? हाँ हाँ
आठवें गुणस्थान के कौन से भाग तक? अंत भाग तक, अंतिम भाग तक, आठवें गुणस्थान के अंतिम भाग तक, छः नौ कषायों का उदय वहाँ तक है। बंद की बात नहीं कर रहे हम, वो बंद में छठा भाग सातवां भाग चलता है। उदय कहाँ तक है? आठवें में उसका उदय है। अभी हम आगे देखते हैं। मैथुन संज्ञा यानी भय संज्ञा कहाँ से कहाँ तक होगी? तो पहले गुणस्थान से आठवें तक। पर जो पहले गुणस्थान वाले का भय होगा, उसकी प्रवृत्ति, उसकी जो हम देखेंगे, उसकी जो कोई भय की जो इंटेंसिटी होगी, और मुनिराजों की जो है, समझ में आती है ना बात? आठवें गुणस्थान में तो शुद्ध उपयोग में है, वहाँ तो उनके तो पता भी नहीं है कई किस प्रकार से क्या अबुद्धिपूर्वक वहाँ उनके जो रागादि हो रहे हैं, परंतु वहाँ उसकी उपस्थिति है बस। और वहाँ उनके कुछ भाग जाना छिप जाना ऐसी तो कोई ना प्रवृत्ति है और ना वैसे परिणाम भी है। तीव्र उदय ने उसके अपेक्षा उसके यानी उन वहाँ तीव्र उदय नहीं है, ये नीचे के गुणस्थानों में तीव्र, ये जो भाग जाना छिप जाना वगैरह कब होगा? अति तीव्र उदय में। पर केवल उदय है तो वहाँ तक कुछ संज्ञा है ऐसा कहने में आता है। अब मैथुन संज्ञा की बात। वृक्ष जो कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन, उसका खाना, काम कथा को सुनना, भोगे हुए काम विषयादि को याद करना इत्यादि रूप उपयोग होना, कुशीलवान कामी पुरुषों के साथ संगति करना, गोष्ठी करना, ये तो बाह्य कारण है। अलग अलग जीवों में अलग अलग कारण बताए, उसको बाह्य कारण कहते हैं। और स्त्री पुरुष नपुसक वेदों में से किसी भी वेद रूप नौ कषाय की उदीरना, जैसे अभी हमने भय नौ कषाय देखा था, वैसे स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद, जो वेद नाम के नौ कषाय है कर्म, उसकी उदीरना, उसको कहेंगे वो अंतरंग कारण है। इन कारणों से मैथुन संज्ञा होती है। देखो जो देखो क्रोध मान माया लोभ में क्या होता है, वो कभी क्रोध का उदय है तो कभी मान का, कभी माया का, कभी लोभ का। योग में भी परिवर्तन होते अंतर मुहूर्त में, लेशाएँ भी पलटती रहती है, ऐसे वेदों में पलटना नहीं होता। एक भव में जो वेद है वो कायम उस भव में रहता है, द्रव्य वेद और भाव वेद भी जन्म से मरण तक वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। पहले स्त्री वेदी था और बाद में पुरुष वेदी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने उदाहरण भी सुने, रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करने गई तो उसके पुरुष वेद हो गया, आपने सुना कि नहीं? वो नहीं सुना, भाग्यवान हो। यानी वो कोई युद्ध करना, ये कुछ वेद कषाय का कार्य नहीं है, वो सेक्सुअल जो अट्रैक्शन है वही इसका कार्य है। और वो कुछ बाह्य, वो ऑफिसर का काम करते हैं कि बाहर कैसा पोशाक करते हैं, कैसे ड्रेस पहनते हैं, उससे कोई लेना देना है नहीं है। जन्म से जो जिस नौकषाय का उदय है वैसे उसके वो भाव वैसे ही होंगे। सभी नौकष नहीं, वेद के नौकषाय सभी नौकषाय का ऐसा नहीं है, क्योंकि हास्य रति और अरति शोक पलटते रहते हैं हर अंतर्मूर्त में नियम से। भय और जुगुप्सा का भी ऐसा है, कभी भय का उदय होगा, कभी नहीं भी होगा, कभी भय जुगुप्सा का दोनों का एट ए टाइम होगा, दोनों का नहीं भी होगा, कभी अकेले भय का होगा, अकेले जुगुप्सा का होगा, उसमें वेरिएशन है। परंतु जो वेद है, जिस भव में जिस वेद का उदय है, उसी वेद का उदय उसके अंतिम समय तक उस भव में रहेगा। हाँ, अभी श्रेणी चढ़कर मोक्ष जाएगा तो वेद का उदय मिट जाएगा, नवे गुणस्थान तक उसका उदय रहता है। यही बात यहाँ देखते हैं। देखो तो मैथुन जो काम सेवन रूप स्त्री पुरुष का युगल संबंधी कर्म, उसमें वांछा, वह मैथुन संज्ञा है। अब परिग्रह संज्ञा देखते हैं। पेज नंबर है 268। देखो अभी परिग्रह संज्ञा यानी परिग्रह के निमित्त से जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? किसी का घर देखा, किसी के गहने देखे, किसी का और क्या देखा, तो हम भी ऐसा होना चाहिए, ये निमित्त है ना। यहाँ लिखा देखो, धन धान्यादि, अभी धन धान्यादि में सब उसके लिस्ट बना देना, बाह्य परिग्रह रूप उपकरण सामग्री को देखना। बच्चे भी देखते हैं ना, दूसरे का कुछ देखता है, अरे इसके पास मोबाइल है, इसके पास ये है, उसके पास है, हमको भी चाहिए, होता है कि नहीं ऐसा? क्यों प्रियम?
और उन धनादिकों की कथा सुनना। ये विकथा यही चलती है ना, बाहर जाते तो क्या है, किसकी किसकी चर्चा चलती है, परिग्रहों की, अभी जगह का क्या भाव चल रहा है, कैसा स्क्वायर फुट, कितने करोड़ का क्या क्या, इसकी चर्चा चलती है ना, थोड़ी शास्त्रों की चर्चा करते कोई मिलते हैं तो है? याद करना इत्यादि उपयोग का होना मूर्छित, लोभी को क्या कहा, मूर्छित, मूर्छा परिग्रह का है ना, तो लोभी को उसको परिग्रह उपजाने में आसक्तता, उसका इस जीव के साथ संबंध होना, यानी लोभी पुरुषों की संगति करना, इत्यादि बाह्य कारण है, उसके अलग अलग विविध कारणों को यहाँ बताया गया। तथा लोभ कषाय की उदीरणा, वह अंतरंग कारण है। मैं पहले हमेशा उदाहरण देती थी, यहाँ देवलाली में बहुत बार शिविरों में, देवलाली में, दिवाली में वगैरह बहुत आयोजन बहुत बार होते हैं, क्यों उल्लास भाई, तो लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं तो क्या देखते हैं, अरे कितना अच्छा वातावरण है, कितने अच्छे बंगले हैं, हमारे भी यहाँ एक बंगला एक फ्लैट होना चाहिए। पर कोई ऐसा नहीं सोचता है कि अरे यहाँ मंदिरों में कितने भगवान विराजमान हैं, है ना, कितने मुनियों के यहाँ चरण हैं और कितने उनके जो फोटो लगे हैं, हम भी भगवान बने, ऐसा विचार आता है कि हम पहले क्या विचार आता है, हम भी यहाँ एक घर करके यहाँ रहेंगे। तो कहते लोभ कषाय की उदीरणा, वह अंतरंग कारण, इन कारणों से परिग्रह संज्ञा होती है। परिग्रह जो धन धान्यादिक, उनके उपजाने आदि रूप वांछा, वह परिग्रह संज्ञा है। हम तो बिल्कुल पाप में गिनते हैं, पाप की गिनती करो, कितने होते पाप, पांच होते, बोलो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। परिग्रह को पाप माना जाता है शास्त्र में तो कहा है, और यहाँ तो चढ़ावड़ जिसको कहेंगे चलती है, क्योंकि कौन ज़्यादा परिग्रह बढ़ाएगा, दिन रात तो उसके पीछे तो है हम, और उसमें लगता है हम कुछ पाप कर रहे हैं, है ना। हाँ देखो, तो ये परिग्रह संज्ञा कब तक होगी, जब तक लोभ कषाय रहेगा तब तक परिग्रह संज्ञा बताने में आ। तो लोभ कषाय का उदय कब तक है, जो सूक्ष्म भी लोभ है वो दसवें गुणस्थान तक है, तो तब तक परिग्रह संज्ञा है ऐसा कहेंगे, ख्याल में आती है। ये तो जो गुणस्थानों की केवल वो केवल ज्ञान गम्य कर्मों का उदय कहाँ तक है उसको बताया जाता है, वहाँ जो तीव्र उदय भी नहीं है और वहाँ ऐसी कोई उनकी इच्छाएं भी नहीं है और वहाँ तो बिल्कुल नहीं के बराबर जो कुछ उनके अबुद्धिपूर्वक में राग है, जो उनके भी ज्ञान का विषय नहीं है, परंतु वो केवल ज्ञानी जानते हैं कि उस कर्म की सत्ता उसका उदय यहाँ तक है, तो वहाँ तक वो संज्ञा बताई जाती है। ये संज्ञा के विषय में बहुत विस्तार तो है ही नहीं, बस इतनी ही बातें हैं। अब हमने ये देखे अलग अलग प्ररूपणाएँ, कौन सी, पहले गुणस्थान देखा, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा। अब यहाँ से मार्गणा नाम का महाधिकार चालू हो जाएगा। महाधिकार इसलिए क्यों, इसमें 14 मार्गणाओं का वर्णन होगा। तो पहले यहाँ से गति मार्गणा से प्रारंभ करते, पहले मार्गणा किसको कहेंगे उसकी बात यहाँ करेंगे। मार्गणा का अर्थ होता है अन्वेषण, खोज, किसकी खोज, जीवों की खोज करनी। तो जीव जिन में पाए जाते हैं या जिनके द्वारा जीवों की खोज की जाती है उसको यहाँ मार्गणा कहेंगे। देखो हम यहाँ उसके मार्गणा शब्द कैसे तैयार हुआ उसकी यहाँ हम चर्चा करेंगे। यहाँ क्या कहते हैं, देखो पेज नंबर 269 में हम देखते हैं मार्गणा शब्द की निरुक्ति, 141 नंबर के श्लोक की टीका क्या कहते हैं, जैसे श्रुत ज्ञान में उपदेशित हुआ है वैसा ही जीव नामक पदार्थ जिनके द्वारा व जिनमें जाने जाते हैं वे 14 मार्गणा है। अभी इसमें से हमें कुछ नहीं समझा, क्या कहते हैं, जीव तो अरूपी है, दिखाई तो नहीं देता, फिर भी हमको जीवों की खोज करनी है, तो अलग अलग अपेक्षा लगाकर ये संसारी जीवों के हम विभाजन करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, तो अपेक्षाएं बदलते ही ग्रुप भी अलग अलग हो जाएंगे, उसको हम मार्गणा कहेंगे। उसके लिए हम उदाहरण देखते हैं, जैसे हमें जितने मानव जाति मालूम है, मनुष्य जो हमारे ज्ञान का आपके ज्ञान का विषय है, तो हम क्या कहेंगे, तो कौन से देश के वासी है,
नेशन वाइज उनको हम डिवाइड करेंगे, तो कोई कोई भारतीय है, कोई अमेरिकन है, कोई जापानीज है, कोई चाइनीज़ है, तो ये हमने उनको उनके देश के अपेक्षा से उनका जो विभाजन किया है, तो हम उनको उस नाम से पहचानेंगे। तो उनके इतने अलग अलग ग्रुप्स बने। अभी हम अपनी अपेक्षा, अपना क्राइटेरिया बदल देंगे। हम कहेंगे वो क्या करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कारीगर है, कोई शिक्षक है, कोई रिटायर्ड है हमारे जैसा और कुछ, तो कहते हैं कि अभी इस अपेक्षा से अगर हम डिवाइड करेंगे, तो पहले जो नेशन वाइज डिवीजन हुई थी, अब जीव वे के वे है। अभी हमने अपेक्षा बदल गई तो अलग अलग नेशन के अलग अलग ग्रुप में हो जाएंगे। सारे डॉक्टर्स, भले वो भारतीय हो या अमेरिकन हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, सब अभी एक ग्रुप में आ जाएंगे। सब इंजीनियर्स दूसरे ग्रुप में आएंगे, सब वो बिजनेसमैन सब तीसरे ग्रुप में आएंगे। वहाँ वो कौन से नेशन वाला है वो बात वहाँ नहीं चलेगी। हमने क्राइटेरिया बदल गया तो उसका ग्रुप अलग अलग हो जाएगा। इस तरह से ये 14 अलग अलग क्राइटेरिया लगा के ये संसार ही जीवों के अलग अलग डिविजन्स करेंगे, उनका विभाजन करेंगे। इसको कहेंगे मार्गणा, यानी गति की अपेक्षा हमको जीवों को खोजना है। तो कहाँ कहाँ खोजेंगे हम, तो उसके कितने विभाजन हो जाएंगे, चार। जैसे हम कहीं ना मनुष्य गति है, देव गति है, तिर्यंज गति है, नरक गति। अभी हम उसकी हमने अपेक्षा बदल दी, हम कहेंगे इंद्रियों की अपेक्षा जीवों का विभाजन करना है, तो क्या हो जाएगा, हाँ, एक इंद्रिय वाले अलग, दो इंद्रिय वाले अलग, तीन इंद्रिय वाले अलग, चतुरिंद्रिय वाले, पंचेंद्रिय अलग। पहले जो हम तिर्यंच गति कहते तो उसमें पांचों ही भेद पाए जाएंगे, पर देव, नारकी और मनुष्य सब पंचेंद्रिय में आ गए। अभी हम इसी में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक पांच ग्रुप हो गए। अभी हम अपनी मार्गणा यानी हम चेंज करेंगे, हमारा क्राइटेरिया, हमारी अपेक्षा बदल देंगे। हम कहेंगे काय मार्गणा की अपेक्षा भी इसमें डिवीजन करो, तो एक इंद्रिय में पांच भेद हो जाएंगे और द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय एक में आ जाएगी, उसको त्रस्कायिक कहेंगे। और एक इंद्रिय में अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, ये अलग अलग हो जाए। तो इस तरह से ये सब मार्गणाएँ हैं। वे के वे संसारी जीव अलग अलग मार्गणाओं की अपेक्षा, उनके अलग अलग अपेक्षाओं से उनका वर्गीकरण होता है, उसको कहेंगे मार्गणा। तो अभी हम यहाँ पढ़ते हैं, अपने ये विषय चालू हो जाता है पेज नंबर 269 से, अभी 270 पेज पर आना, 270। ये 14 मार्गणाओं के नाम हमने पहले भी देखे थे, यहाँ 142 नंबर की टीका उसमें लिखे है। मैं तीन तीन नाम लूँगी, आपको रिपीट करना है, हर एक के बाद मार्गणा शब्द लगाना है, परंतु हम याद करने की दृष्टि से मार्गणा शब्द बाद में सोचेंगे। गति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, ज्ञान संयम दर्शन, लेशा भव्य सम्यक्त्व, संगी और आहार। ये क्या हुए मार्गणाएं, कितनी हुई टोटल, 14। देखो वहाँ संज्ञा प्ररूपणा अलग है और संगी मार्गणा अलग बात है, ख्याल में आई बात। एक एक मार्गणा और उसमें जो कुछ विशेषताएं उसकी बात अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो कहते हैं उनमें ये जो सब मार्गणाएं बताई है, तो उनमें पहले कहते इनमें आठ मार्गणा है, उनको सांतर मार्गणा कहते हैं। वो सांतर किसको कहना उसकी भी चर्चा करते। देखो 270 में लिखा ना, 143 के ऊपर, उनमें आठ सांतर मार्गणा है। ये सांतर मार्गणा का अर्थ पहले हम देखते हैं। यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा बात है। नाना जीव का अर्थ क्या होता है, अनेक जीव। सभी जीवों की अपेक्षा बात है, एक जीव की अपेक्षा। हाँ, जब वो एक इंद्रिय में से द्विंद्रिय में जाता है तो उसका एक इंद्रिय छूट गई, फिर वो द्विंद्रिय में गया, वापिस लौट कर एक इंद्रिय में जाएगा। तो जब तक वो एक इंद्रिय में वापस नहीं जाता तो उसका अंतर पड़ा। पर यहाँ क्या हो करे, सभी जीवों की अपेक्षा। तो सभी जीवों की अपेक्षा मेरा यह प्रश्न है, चार गति के जो जीव है, यानी चार जो गतियाँ हैं, तो ऐसा कभी होगा कि किसी गति में कोई जीव ही न हो और फिर कुछ काल के बाद उसमें कोई जीव जन्मे, ऐसा कभी होगा कि नहीं होगा? हमारी डार्विन की थ्योरी क्या कहती है,
मनुष्य गति को कहाँ स्वीकार किया? पहले सारे सूक्ष्म जीव थे, वो फिर वो बंदर तक उनकी डेवलपमेंट हो गई, फिर बंदर से मानव हो गया। तो उन्होंने वो मनुष्य गति ही है ना, वो तो बीच में थी ही नहीं, फिर बाद में हुई, ऐसा माना। ख्याल में आती है ना? गलत ही है, बिल्कुल गलत है। तो कहते अंतर किसको कहेंगे? तो नाना जीवों की अपेक्षा ऐसी कौन सी बातें हैं? अभी हम गुणस्थानों की अपेक्षा आपको पूछते हैं, ऐसे कौन से गुणस्थान है कि जिनका नाना जीवों की अपेक्षा कभी अंतर ही नहीं पड़ता है, नहीं हमेशा रहेगा, ऐसे कौन से गुणस्थान है? और जिनमें कभी कभी अंतर भी पड़ता है, कभी कोई एक भी जीव न हो, ऐसा कुछ काल तक बनता है, उसको कहेंगे सांतर, गुणस्थान। हम गुणस्थानों की बात पूछ रहे हैं। तो ऐसे कौन से गुणस्थान है, पहले हम पूछते हैं कि जो हमेशा ही बने रहेंगे? आपको बताना है, कौन बताना चाहता है? एक एक कोई एक कोई बताना। हाँ बताए, हाँ दिलीप जी बताए। पहला गुणस्थान, ये पहले गुणस्थान कभी जीवन से रहित नहीं होने वाला। हाँ फिर छठवा, अच्छा चौथा पांचवा का क्या हुआ? अच्छा अंत, जो सब अपना अपना मत है, 14 गुणस्थान है, बहुत आपको संधि है। हाँ तो छठवा सातवा, हाँ ये हमेशा हो गए। अच्छा ये बात सही नहीं है, कौन बताना चाहता है? पाटनी जी आप बताएंगे। हाँ बोलो, पहला गुणस्थान हमेशा रहेगा, हाँ चौथा पांचवा छठा सातवा, हाँ और तेरवा, चौदवा भी नहीं। देखो इन गुणस्थानों में हमेशा जीव होगे ही होगे। क्या कहा? पहला गुणस्थान, चौथा पांचवा छठा सातवा गुणस्थान और फिर तेरवा गुणस्थान, ये गुणस्थान जीवों से रहित कभी नहीं रहेंगे। लोगों को लगता है सब ये आत्मा आत्मा करके मोक्ष चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? तो चिंता नहीं करना, मिथ्या तो गुणस्थान तो सदाकाल रहने वाला गुणस्थान है और उसमें हमेशा ही जीव पाए जाएंगे। तो बीच वाला दूसरा और तीसरा गुणस्थान ऐसा है कि कुछ काल ऐसा हो सकता है कि उसमें एक भी जीव कुछ काल के लिए न हो, हो सकता है एक समय के लिए कोई न हो, ये भी बन सकता है, और असंख्यात वर्षों तक कोई न हो, पल्ले के असंख्यात, ये भी बन सकता है। चौथा पांचवा छठा सातवा तो हमेशा ही रहेगा ही रहेगा, यानी इनसे रहित कभी नहीं। जैसे मनुष्य लोक है और कोई मुनिराज ही नहीं हो छठे सातवें गुणस्थान वाले, कोई चौथे पांचवें गुणस्थान वाले समय दृष्टि गृहस्थ ही नहीं हो, ये बात कभी नहीं बन सकती। पूरे मनुष्य लोक की अपेक्षा बात करें, अभी चौथा पांच चौथा गुणस्थान तो चारों गतियों की अपेक्षा बात करेंगे, पांचवा गुणस्थान तो मनुष्य तिरियंचों की अपेक्षा बात करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। यानी ये गुणस्थान में हमेशा जीव रहेंगे। आगे के जो श्रेणी के गुणस्थान है, वो श्रेणी में हर समय कोई श्रेणी नहीं चढ़ेगा, उपशम श्रेणी कोई चढ़ के उतरता है और उसमें अंतर पड़ जाता है कि कोई जीव श्रेणी ही नहीं चढ़ेगा उपशम श्रेणी, तो पृथक्त्व वर्ष का कुछ वर्षों का अंतर पड़ सकता है, और क्षपक श्रेणी कोई चढ़े ही नहीं लंबे काल तक, तो 6 महीने का अंतर पड़ सकता है। यानी हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई क्षपक श्रेणी चढ़ेगा ही चढ़ेगा नियम से। तेरवा गुणस्थान क्या है? हमेशा ही तेरहवें गुणस्थान में तो केवल ही भगवान हो गए ही हो गए, कोई अंतर्मूर्त की 13वां गुणस्थान करके 14वां करके आगे चले जाएंगे या कोई लंबे काल तक रहेंगे, पर 13वां गुणस्थान यानी अरिहंत से रहित और तीर्थंकरों से विरहित कभी नहीं पाया जाएगा। यानी ये जो मोक्ष मार्ग जो है, धर्म है, उसका उपदेश देने वाले अरिहंत भगवान भी हमेशा ही मौजूद रहेंगे इस विश्व में, और मोक्ष मार्ग में स्थित ऐसे चौथे पाँचवें छठे सातवें सभी गुणस्थान वाले भी जो हमेशा ही इस विश्व में रहेंगे, उससे रहित कभी नहीं होगा। हमें क्या लगता है, अरे जिन धर्म का क्या हो गया, वो डूब जाएगा, अरे उसका कुछ नहीं होगा, तेरा क्या होगा, इसकी सोचो पहले। हम अगर इस धर्म का यानी उपदेश को फॉलो नहीं करेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, कौन से पर्याय में चले जाएंगे, ये हमें सोचना है। जिन धर्म तो शाश्वत रहने वाला है, इनका उपदेश देने वाले भी शाश्वत रहने वाले हैं, और उस मार्ग पर चलने वाले, भले भरत क्षेत्र में कुछ काल तक ऐसा हो सकता है कि बीच में कुछ लोप हो गया, कोई बात नहीं है, परंतु हमें तो केवल भरत क्षेत्र के लिए नहीं सोचना है। ख्याल में आता? तो श्रेणी में अंतर पड़ सकता है, 14वें गुणस्थान में भी अंतर पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मुक जाते हैं, परंतु 6 महीने का अंतर पड़ के 8 समयों में 608 जा सकते हैं, इसलिए इसको कहेंगे बीच में अंतर पड़ा। अंतर किसको कहेंगे? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर उसको कहते हैं। अभी हमने गुणस्थानों की अपेक्षा आपको अंतर समझाया, यही बात हम मार्गणाओं पर भी घटित करेंगे।
तो ऐसी कौन कौन सी मार्गणाएँ हैं, अभी हमने 14 मार्गणाओं के नाम देखे, कि ऐसा हो सकता है कि कुछ काल के लिए कोई जीव उसमें न हो, कुछ काल के लिए, और बाद में फिर उसमें जीव पाए जाते हैं, उसको कहेंगे सांतर मार्गणा। ऐसी सांतर मार्गणा 8 होती हैं। ये 8 जो सांतर मार्गणा हैं उनके नाम यहाँ बताए हैं 271 पेज पर। देखो क्या पूछते हैं, 3 करोड़ 3 कम 9 करोड़, ये मैक्सिमम पॉसिबल संख्या है मुनिराजों की, अर्थात 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक की, उसके मैक्सिमम पॉसिबल जो हमेशा जो संख्या शास्त्र में बताई जाती है किसी भी मार्गणाओं की या किसी भी गुणस्थानों की, वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है उसकी ये चर्चा है। और ये बात मैक्सिमम पॉसिबल बात जो है ना, कहीं बीच में आया है एक कोई मार्गणा में बताएंगे आपको जब मिलेगा, ये जो संख्याएं बताई जाती है इसको कहेंगे ये मध्य दीपक है, पहले और बाद में, ये मैक्सिमम पॉसिबल की बात है, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम इतनी बात है, तो मैक्सिमम बताई जाती है। जैसे मनुष्य अपर्याप्त कितने हैं तो कहते असंख्यात है, पर कभी एक भी हो सकता है कि एक भी ना हो, कभी ये हो सकता है कि 1, 2, 4, 10, 15 मनुष्य अपर्याप्त जीव, तो जो असंख्यात मनुष्य अपर्याप्त कहने में आते हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल संख्या बताई जाती है। इसी तरह से सब जगह समझना। अभी हम देखते हैं यहाँ पर 271 पेज में 144 की टीका, नाना जीवों की अपेक्षा। देखो ये नाना जीवों की अपेक्षा ये बात महत्व की, क्योंकि जब हम सांतर मार्गणाएं देख रहे हैं, एक जीव की अपेक्षा तो अंतर पड़ने ही वाला है, जैसे हम आपको पूछेंगे एक जीव की अपेक्षा, कोई जीव मनुष्य में आया, मनुष्य गति मनुष्य भव किया और मनुष्य भव उसका छूट गया और वापस वो मनुष्य भव में आना है, तो मिनिमम कितने काल में आएगा, तो कहते एक कोई शूद्र भव करेगा तिर्यंच अपर्याप्त का और वापस आ गया, ये हो सकता है, ये मिनिमम अंतर हुआ एक जीव का। मैक्सिमम अंतर कितना चला जाएगा उसका, कि इतने लंबे काल तक उसको मनुष्य पर्याय ही नहीं मिली, कितना होगा, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, मनुष्य में से अन्य चला गया, मान लेते कि तिर्यंच हुआ, देव में चला गया, देव में से फिर आया और फिर एकेंद्रीय में चला गया और एकेंद्रीय में इतने लंबे काल तक रहा, बाद में देखो देखो ये जब 2000 सागर की बात आती है, त्रस पर्याय की बात आती, त्रस की स्थिति 2000 सागर या साधिक 2000 सागर जो कहेंगे सामान्य त्रस की अपेक्षा, तो उसमें ये बात हो सकती है कि एक भी मनुष्य भव न मिले, क्या कहा हम तो 48 भवों की गारंटी लेकर बैठे हैं, एक भी मनुष्य भव न मिले ये भी हो सकता है, लगातार मिले तो 48 पर्याप्तों के बीच में अपर्याप्त होकर पर्याप्तों के 48 हो सकते, ये भी हमने देखा, और 48 ही होते ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा तो कि ये हो सकता है कि एक भी नरक का भव न हो और मनुष्य तिर्यंच और देव के ही भव होते रहे, उसमें भी बहुत सारे वेदों के और ये अपेक्षा लगाकर हमने पहले भी सिद्ध किया था कि एक से अनेक, अभी थोड़ी देर के बाद बताएंगे, अपना भी समय 1-2 मिनट ही बाकी है, तो ये अनेक भव भी उसके हो सकते हैं मनुष्यों के, ऐसा किसी भी आगम में नहीं लिखा है, 48 ही होते हैं, लगातार 48 पर्याप्त भव और 24 के बाद एक अपर्याप्त और फिर 24 पर्याप्त, ये हो सकता है, ये लगातार करते हैं, मनुष्य मरकर मनुष्य, मनुष्य मरकर मनुष्य, मनुष्य मरकर मनुष्य, इसको लगातार कहेंगे, निरंतर मनुष्य पना बना रहे तो उसकी कितनी अधिक से अधिक स्थिति हो सकती है उसको यहाँ बताया जाता है, परंतु 48 ही होते हैं ऐसा कहीं पर भी किसी भी आगम में नहीं आता है, अधिक भी कैसे होते हैं उसकी चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद, मिलते हम 10-15 मिनट के बाद, तब उसकी चर्चा करेंगे। बोलो 24 हो भगवान की।